ये मेरा सौभाग्य कि मैं शीतल के और करीब आ गई, वो जो बीच की दूरी थी वो हट गई। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बहुत पास आ गई इनसे बात करने के लिए। और शीतल के बारे में क्या कहूँ, कल जब रात में इनसे मुलाकात हुई तो महज 16 साल की लड़की और क्या कीर्तिमान उसने देश के लिए स्थापित कर दिया, और ये साबित किया कि दिव्यांगता होने पर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को भी अपने अवसर में हम कैसे बदल सकते हैं। किश्तवाड़ से आती हैं और अब गोल्डन गर्ल हैं, गोल्डन विंग्स ऊपर वाले ने इनको दे दिया है। तो आइए इनके साथ ये बहुत ही दिलचस्प सेशन हम शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। दो बहुत अच्छी बात हुई है इस हफ्ते, बहुत बहुत स्वागत है शीतल तुम्हारा। दो बहुत अच्छी बातें हुई हैं, एक तो वर्ल्ड रैंकिंग में आप नंबर वन हो गई हैं। कल जब आपसे बात हो रही थी तो आपके साथ के लोग कह रहे थे कि शीतल समझती नहीं है इस बात को कि ये वर्ल्ड रैंकिंग क्या होती है। ऐसा है क्या? हाँ जी, मेरे को पता नहीं है कि मैं वर्ल्ड नंबर वन बन चुकी हूँ, कि मुझे तक पता नहीं है। ये कितनी प्यारी बात है। और ये इनोसेंस जो है, कहते हैं कि इनोसेंस इज ब्लिस, ये भगवान करे हमेशा बना रहे इनके अंदर, कि आप नंबर वन पे हैं, चरम पर हैं, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है और नीचे वाले आपको देखकर बिल्कुल स्तब्ध हैं कि आप वहां पहुंच गई हैं। दरअसल शीतल, इतनी कम समय में जो परफॉर्मेंस है आपकी, 230 पॉइंट्स यू हैव अचीव्ड, और क्योंकि ये बहुत ही कम समय में हुआ है इसीलिए विश्व के जितने भी आर्चर्स हैं इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है, इसलिए आप नंबर वन हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अपनी तालियों से बताइए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विश्व का हमारे मंच पर बैठा हुआ है इस वक्त शीतल के रूप में। तो शीतल, कल तो आपका पूरा परिवार साथ में था हमारे और हम मिले और आपके बचपन की कुछ बातें मुझे पता चली, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये पता चला कि शीतल के अंदर एक खिलाड़ी है? नमस्ते, मैं आपको बताऊं कि मैंने आर्ची स्टार्ट कैसे की थी। सबसे पहले मेरा गांव एक छोटा सा है किश्तवाड़ में, मैं वहां पर रहती थी पहले जब छोटी सी थी। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद था, तो बाद में मैं एक दिन गई थी ट्रीटमेंट करने के लिए बेंगलोर में। वहाँ पे प्रीति मैम मिली थी, उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया था कि मुझे बचपन में स्पोर्ट्स करना पसंद था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो जो मैं करती थी उसको, मतलब जो मैं करना चाहती थी, मुझे पहले सपना था कि मैं टीचर बनूँ, बाद में वो सपना बदल गया एक। तो बाद में उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि तू कर पाएगी, तो तब भी मुझे लग रहा था कि नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे, मेरे जैसे लोगों से मुझे मिलाया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बताया कि कर पाएगी ऐसे ऐसे। तो बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं कर पाऊंगी। बाद में मेरे कोचेस कुलदीप वेदवान मैम, अभिलाषा चौधरी, उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे श्री माता वैष्णो देवी आर्च अकेडमी में बुलाया। तो पहले पहले मुश्किल लगता था, वो नहीं पकड़ पाती थी क्योंकि वो भारी होता है, तो वो नहीं पकड़ पाती थी। तो उन्होंने मुझे सिखाया आराम नाम से थोड़ा हल्का करके बो दिया, तो बाद में मैं कर पाई। तो मैं और भी लोगों को देख रही थी, उनका निशाना लगता था तो मेरा नहीं लगता था, तो मुझे बुरा लगता था कि मेरा निशाना नहीं लग रहा, मैं तो कर भी पाऊंगी या नहीं। तो बाद में सर ने मुझे बोला, मेरे सर कुलदीप सर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि तू कर पाएगी, बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। इस बात को हम आगे ले चलेंगे, और भी जो कठिनाइयाँ आई आपके जीवन में उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो निशाना नहीं लग रहा था, वो पल कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए, लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी हमारे उन दोनों गुरुओं को, कुलदीप जी और अभिलाषा जी, वो भी हमारे बीच आना चाहते थे लेकिन एक दूसरे इवेंट की वजह से वो नहीं आ सके। खिलाड़ियों के ही उनके लिए नमन है जो इस प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और ट्रेन किया। अभिलाषा जी और कुलदीप जी का इस मंच से हम शुक्रिया करते हैं
कि एक टैलेंट हंट करना, गुरु के लिए एक पात्र को चुनना, उस प्रतिभा को चुनना भी, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना हर किसी में प्रतिभा होती है। और शीतल, जैसे आप बता रही थी, तो एक घटना के बारे में मुझे मालूम है कि जब आप बैंगलोर गए तो अभिलाषा और कुलदीप कोशिश कर रहे थे कि बोझ उठाने में आपको दिक्कत हो रही थी कि प्रोस्थेटिक का आपको मदद मिले, लेकिन मेडिकली कहा गया कि वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो एक तस्वीर आपकी सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, बल्कि हम लोग भी उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब पैर से आप निशाना साधते हुए दिखती हैं और फिर निशाना लगाती हैं। तो ये कैसे हुआ, आपने उनको कैसे ये समझाया कि बिना प्रोस्थेटिक के भी मैं ये कर सकती हूँ? मैंने जो प्रोस्थेटिक लगाया था बैंगलोर में, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगी उनसे, अपना सारा काम कर पाऊंगी। तो जब मैंने वो लगाया तो मुझे भारी लगने लगे वो, तो बाद में एक दिन लगाया मैंने तो मुझे भारी लगने लगे, फिर मैंने खोल के रख दिए वो। तो बाद में जब मैं शुरू से ही पैर से ही काम करती थी, बचपन से ही लिखती पढ़ती खेलती सब, पेड़ पे भी चढ़ती थी मैं, सब पैर से पेड़ पे भी चढ़ जाती थी। ये मुझे आपके भाई ने बताया कि ये जब कोच को पता चला कि ये लड़की अपने पैरों से पेड़ पे चढ़ सकती है, तो फिर आर्चर उठाना क्या बड़ी बात है। तो कैसे पेड़ पे चढ़ती थी, ये कहानी तो हमें जरूर सुनाइए। जी, मैं पेड़ पे चढ़ लेती हूँ आराम से, जैसे कि कोई हाथ वाला चढ़ लेता है वैसे मैं चढ़ लेती हूँ। तो आपको डर नहीं लगता, इतना पहाड़ी इलाका है आपका, आप जहाँ से आती हैं, मतलब बिल्कुल गोल्डन गर्ल तो आप हैं ही और जंगल क्वीन भी हैं, डर नहीं लगता आपको पेड़ पे चढ़ना पहाड़ी इलाके? जी नहीं, डर नहीं लगता था मुझे पेड़ पे चढ़ते हुए। आप नटखट थी बहुत बचपन में, ये मुझे अजय ने बताया, बहुत नटखट? नहीं नहीं, पहले मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेलती रहती थी दोस्तों के साथ, फुटबॉल भी खेलते थे, और हम बचपन में लकड़ी का धनुष बनाते थे और हमें नहीं पता था कि ये सच में भी होता है, तो हम ऐसे खेलते रहते थे। और भी मेरे चाचू की लड़कियां बोलती थी दीदी मुझे भी बना के दो ना, मैं भी खेलना चाहता हूँ। कैसे आप तीर बनाती थी घर पे? जी पैर टेक्निक बताइए, बच्चे भी जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, इतने लोगों को आपने प्रेरित किया है, तो अगर एकेडमी में जाके आर्ट ना मिले तो अगर घर में भी बना सकते हैं तो बताइए, वो साझा कीजिए हमारे दर्शकों से। जी नहीं, जो लकड़ी का होता था हमें उसे, जैसे कि जो सच में है वैसे नहीं बनता था, तो जो अपने डिजाइन के हम बना लेते थे उसे खेल लेते थे। और आप पैर से उसे होल्ड करती थी? हाँ जी, पर वो हल्का होता है, जो हम अब चलाते हैं वो बहुत भारी है, जो हम बनाते थे घर पे वो हल्का ही होता था। तो यानी कि जो असली आर्चरी जो आपने प्रैक्टिस की वो हेवी है वजन में, और उसकी ही आपको तकनीक सीखनी पड़ी, आपको ये सीखना पड़ा। आप सभी को ये जानकर एक सुखद एहसास होगा कि सिर्फ एक साल के प्रशिक्षण में, एक साल की ट्रेनिंग में शीतल ने देश को गोल्ड दिलाया, और ये प्रदर्शन का है कि ये नंबर वन खिलाड़ी बन गई हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत यूनिक बात है और आश्चर्य करने की बात है, क्योंकि ये विश्व की पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके बाजू नहीं है लेकिन निशाना ऐसा साधती हैं। वो मैं अगर आपको लेडी अर्जुन कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो निशाना साधते वक्त आपके दोनों गुरुओं ने आपको क्या सिखाया कि चलो ठीक है बाजू नहीं है तुम्हारे हाथ, तुम्हारे हाथ नहीं है, लेकिन तुम जिस तरीके से आर्च को पकड़ रही हो, निशाना साध रही हो, निशाना लगाते वक्त ऐसा क्या जहन में रखना है? क्योंकि आपने ये कहा कि शुरू में मेरे निशाने नहीं लग रहे थे, और लोगों के लग रहे थे, आपके नहीं लग रहे थे, तो क्या गुरु मंत्र मिला जिससे कि शीतल ने उसे उतार लिया? जैसे कि मैं बताऊँ कि पहले पहले मेरा निशाना नहीं लग रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो बाद में मुझे सर ने अच्छे से सिखाया तो कहने लगे कि अगर अभी हिम्मत तोड़ देगी तो आगे कुछ नहीं कर पाएगी। पहले पहले ऐसे होता है कि नहीं कर पाते हैं, बाद में आसान हो जाता है, तो उस बात को मैंने अपने दिमाग में भर ली कि नहीं सच में ऐसा करना, अब हिम्मत हम अगर हिम्मत करेंगे तो आगे एक नए दिन हम कुछ ना कुछ बन के रहेंगे। तो बाद में मुझे सर ने सिखाया तो मैंने जो जो सर बता रहे थे वैसे ही मैंने किया, तो बाद में मेरी तीर लगने लगी, तो
तो फिर मैं ज्यादा थोड़ा सा खुशी होने लगी कि अब लगने लगे मेरे तीर। मुझे और भी मेहनत करनी चाहिए थी कि मैं बहुत आगे तक पहुंचूं। फिर एक दिन मैं नेशनल खेलने गई थी, तो वहाँ पे एबल वालों के साथ खेला मैंने नेशनल, तो वहाँ पे मैंने एक सिल्वर मेडल जीता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तब कि मैंने पहला मेडल जीता था। मतलब जीत का वो पहला स्वाद आपने चख लिया था। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि जब मैं सोचने लगी कि मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और भी काफ़ी सारे मेडल जीतने पड़ेंगे ऐसे ही। तो फिर मैंने और भी मेहनत की कि आज मैं एक स्टार बन गई हूँ। कि सुनिए सब भी कह रहे हैं कि शीतल एक स्टार बन गई है। बिल्कुल, आप हमारी लेडी स्टार हैं, गोल्डन स्टार हैं आप। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को जब सुन के ऐसा बोल रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनकर। मुझे लगता है कि इस वक्त आप लोग इतने जिसको कहते हैं ना मासूमियत वाले भाव में या अपने बचपन में चले गए होंगे, इनको ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड की नंबर वन खिलाड़ी हो गई हैं आर्चरी में, और इनको ये पता है कि ये स्टार हो गई हैं। अच्छा देखिए, सोशल मीडिया से बहुत सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके लिए आ रहे हैं। मैं कॉम्प्लीमेंट्स पर जाऊंगी, बताऊंगी आपको कि क्या क्या बातें लोगों ने आपके लिए लिखी हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। जैसे आप ही के जैसे हमारे एक दिव्यांग बच्चे ने लिखा है बहुत प्यार से कि मैं भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन कभी कभी एक निराशा होती है। क्या कभी शीतल जी आपको भी निराशा होती थी जब आप प्रैक्टिस कर रही थी, जब ये सफलता का स्वाद आपने नहीं चखा था? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा ये सब स्पोर्ट्स। तो बाद में मुझे कोच बहुत, मेरे लाइफ में जितने भी आए हैं आज तक बहुत अच्छे आए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे किस्मत वाले कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बस करना है तो करना है, करना है तो करना है, क्या बात है। और यही बात जिन्होंने सवाल पूछा है उनको हम ये बता देते हैं कि करना है तो करना है, अगर ये जज्बा है, ये दिल में ठान लिया तो नतीजा आएगा ही और बेहतर आएगा। देखिए, किसी ने लिखा है, एक कमेंट है कि आपको फोकोमेलिया हुआ जिसकी वजह से बाजू आपके नहीं है बचपन में, तो माता पिता के बारे में वो जानना चाहते हैं कि क्या कभी मम्मी पापा को एक स्ट्रगल करना पड़ा जब आप बड़ी हो रही थी। आपसे एक बड़ा भाई है लेकिन आप मंझली हैं, मंझली लड़की हैं अपने घर में, तीन संतानों में बीच में हैं, तो माता पिता को कितनी दिक्कतें आई, क्योंकि किश्तवाड़ के जिस जगह से आप आती हैं वो बिल्कुल हिली एरिया है, मेन जो शहर है मुख्य शहरों से कटा हुआ है थोड़ा, तो ट्रीटमेंट को लेकर या बाकी आपके प्रशिक्षण को लेकर कितना उन्हें मेहनत करनी पड़ी आपके पीछे? मेरी मम्मी पापा जो हैं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। जब उन्होंने आज देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी मेडल जीत के आती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। और उन्हें ये नहीं, कभी नहीं सोचा कि बचपन में हमारी बेटी कुछ नहीं कर पाएगी। लोग कहते थे कि उनको लगता होगा कि ये शीतल कुछ नहीं कर पाएगी अगर दोनों हाथ नहीं है तो, बट अभी उनको पता नहीं है कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कुछ कर पाता है। अगर मैं कहती हूँ कि अगर मेरे जैसे भी बहुत भाई बहन होंगे तो वो भी अगर कुछ स्पोर्ट में खेलें तो एक ना एक दिन वो भी एक स्टार बन जाएंगे। बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है, तो बस अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। तो जो उनके मम्मी पापा होंगे, अगर उनका अच्छा सपोर्ट हो, मम्मी पापा फैमिली का सब सपोर्ट होगा, तो वो भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे अतुलनीय पैरा तीरंदाज पधारे हैं जिन्होंने हाल ही में पैरा एशियन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक हासिल करते हुए विश्व रैंकिंग में 3रा स्थल हासिल किया है। वर्तमान में उन्हें दुनिया के 3रे नंबर के पैरा तीरंदाज के रूप में स्थान दिया गया। स्वागत करते हैं हम 3 स्वर्ण पदक से सुशोभित उल्लेखनीय पारा आर्चर राकेश कुमार जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। गौरवान्वित करने वाला पल है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि आप दोनों ही खिलाड़ी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के धुरंधर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है।
तो राकेश जी, गोल की हैट्रिक लगाया आपने आर्चरी में, उस पल को जरा बताइए जी। जय माता दी मैम, ये तो हर खिलाड़ी के लिए एक गर्व का विषय होता है कि वो अपने देश से बाहर खेलने जाए और वहाँ जाके तीन स्पर्धा में हम खेलते हैं, मिक्स टीम, टीम और इंडिविजुअल, और तीनों में गोल्ड लेना, ये तो अपने लिए एक गौरव की बात है। और सबसे बड़ा गौरव मैं समझता हूँ ये होता है कि जब आप गोल्ड मेडल लेते हैं और वहाँ पे आपका तिरंगा सबसे ऊपर होता है और राष्ट्रीय गान जब बजता है तो वो हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती है। पैरा गेम्स में किस तरीके से ट्रेनिंग वहाँ पर चल रही है, कितने संतुष्ट हैं आप लोग मौजूदा जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से? मैडम मैं तो ये कहूँगा कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पहला एक ऐसा टेंपल ट्रस्ट है कि जिन्होंने स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया है, और 2017 से लेके अब तक का जो सफ़र है हमारा, करीब 200 प्लस हमारे नेशनल और इंटरनेशनल मेडल हैं 6 साल में, और हमारे जो कोचिज हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मिलती है, क्योंकि मेरे कोचिज का एक ही, मेरे कोच जो है उनका एक ही सिद्धांत है कि ना वो छुट्टी लेते हैं और ना हमें लेने देते हैं। क्या बात है। अगर हम पूरा साल 365 दिन प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस का नतीजा ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर बार हम जहां भी खेलने गए हैं हमारा प्रदर्शन हमेशा बढ़ के ही आया है, और अब हमारी छोटी बहन शीतल इसने तो कमाल ही कर दिया। नाज है आप दोनों पर, नाज है। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी अब हमें ये बताइए, अभी शीतल की कहानी हम सुन रहे थे, किश्तवाड़ की एक छोटी सी जगह से, गाँव से वो आती है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन गांव के बच्चे जब निकलकर सभी दिक्कतों को, सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर और परचम लहराते हैं, राकेश कुमार की क्या कहानी है, कैसे पैरा गेम्स में आना हुआ, स्पोर्ट्स को लेकर वो जुनून, वो जिद कब आया? मैडम मेरा एक्सीडेंट जो था वो 2017 में हुआ था, उससे पहले मैं 7 साल प्लम्बर रहा हूँ कटरा में, कोई ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं किया था, हाँ क्रिकेट कभी बीच बीच में खेल लेते थे। तो 2017 में जब श्राइन बोर्ड में ये स्टेडियम अपना शुरू हुआ श्री अजीत कुमार साहू जी IAS के द्वारा, तो वहाँ पे मेरे कोच जो हैं कुलदीप कुमार वेदवान जी, उनको वहाँ पे नियुक्त जब किया गया, तो वो हमारा श्राइन बोर्ड का जो भी मेडिकल वगैरह होता है वो नारायणा हॉस्पिटल में होता है, और मेरा घर नारायणा हॉस्पिटल के रास्ते में आता है, वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बुलाया, और वहाँ से मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई 2017 जुलाई, 27 जून 2017 को मैंने शुरू किया था, और 30 जून 2018 को मैंने पहला गोल्ड अपने देश के लिए लिया था। कभी आप एक प्लम्बर हुआ करते थे, आज आप देश के खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है, गोल्ड लेकर आए हैं, हैट्रिक लगाई है गोल्ड की, ये कोई छोटे मोटी उपलब्धि नहीं है। राकेश जी ये बताइए कि आर्चरी से जुड़ाव कब हुआ, क्योंकि आपने कहा कि क्रिकेट प्रेमी आप रहे, लेकिन जब आर्चरी के क्षेत्र में आए, जब पहली बार आपने बो को पकड़ा, तो क्या था जहन में? जी मैडम एक छोटी सी कहावत है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो जात से लोहार हूँ, तो जब मैं पहले 27 जून को मैंने शुरू किया था और 13 से 16 जुलाई को सिकंदराबाद में पहला पैरा नेशनल था, जो सेकंड पैरा नेशनल था, तो मैं वहां जाके जब खेला तो मेरा 17वां रैंक वहां पे रहा था, और कहीं ना कहीं क्योंकि उम्र होने के साथ आदमी देखता है कि सबके गले में मेडल आ रहे हैं, हमारे गले में क्यों नहीं, तो ये हमें वहां से पता चल गया था कि हमारा स्तर कहाँ है और हमें कहाँ तक जाना है। तो ये जो युवा है यहाँ पर उनको बता दूं, 38 साल के हैं राकेश जी, लेकिन आप जज्बा देखिए और ऊर्जा देखिए इनके अंदर की, और ये कहना कि ये सोचना बिल्कुल गलत है कि बिल्कुल आप युवा हैं तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो युवा वाली सोच और ऊर्जा होनी चाहिए। क्यों? देखिए मैडम मैं जिस एज में शुरू किया था, लोग आके रिटायर हो जाते हैं, मैंने 33 ईयर में शुरू किया आपने, आज मैं 38 साल का हूँ और मैं 11 इंटरनेशनल खेल के 14 इंटरनेशनल मेडल ले चुका हूँ। चकित हैं लोग आप लोगों की कहानी सुन के, खुद मैं भी आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ, मतलब जो भावनाएं उमड़ रही है ना वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ आप दोनों की कहानी सुन के, क्योंकि एक ट्वीट का जिक्र मेरे एडिटर जयदीप जी ने भी किया, महिंद्रा के आनंद महिंद्रा जी ने शीतल की जीत के बाद लिखा था कि आज के बाद मैं किसी बात के लिए शिकायत नहीं करूँगा,
इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम जैसे लोगों को जो सीख मिलती है ना आपको देखकर, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम देखिए, शीतल हमेशा कहती है कि कमी किसी में नहीं होती, बस आपको मेहनत की जरूरत होती है। आप, मैं किसी को ये कभी नहीं कहता कि वो सिर्फ आर्चरी खेले। हमारे हिंदुस्तान में अभी अगर पैरालंपिक की बात करूँ तो उसमें 27 इवेंट आते हैं, उसमें आर्चरी एक है। तो आप उस 26 इवेंट्स में से किसी को भी चुन सकते हैं आप, और उसमें आप मेहनत कीजिए। मेरा ये मानना है कि जब तक, जैसे मैं आज तक यहाँ अगर पहुँचा हूँ तो अपने कोच की हर बात मानता हूँ। मुझे जो कह देते हैं मैं उसको हाँ बोलता हूँ बस। और आज इसीलिए मैं यहाँ हूँ, जब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी सारे खिलाड़ियों से हम लोग मिलते रहते हैं, वो लोग जब वो अपने कोच को छोड़ के किसी दूसरे कोच के पास जाने की बात करते हैं ना कि हमारा कोच ऐसा है नहीं, दूसरा बहुत अच्छा है, तो वहाँ से उनका डगमगाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, गुरु और शिष्य की कामयाबी जो है वो एक है, वो जॉइंट अकाउंट है। इसीलिए एक गुरु हमेशा चाहेगा कि उसका जो शिष्य है वो विजेता बने, और वो विश्वास शिष्य को भी अपने गुरु में रखना होगा। मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आपकी भी रैंकिंग जो है वो कई पायदान ऊपर जा चुकी है। अब आप रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं, इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं? जी मैडम, मैं एशियन गेम जब वर्ल्ड चैंपियनशिप मैं खेल के आया था, वहाँ पे मिक्स टीम में चैंपियन बन के आया था, और एशियन गेम खेलने के बाद मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग थी वो 12 थी। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के जितने भी तीरंदाज हैं, चाहे वो एबल कैटेगरी में हैं, चाहे हम लोग पैरा कैटेगरी में हैं, तो वो अभी 10 से नीचे हैं। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अभी जो पिछले 2 सालों में जो हमारा आर्चरी का स्तर ऊंचा हुआ है जी। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने J&K आर्चरी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल श्री सुनील शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पिछले 2 साल से हमें इतना सपोर्ट दिया है। इतना हर कंपटीशन में जाने से पहले हमारी बात होती है, कंपटीशन के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन कैसा चल, हर तरह की बात हमारी होती है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है, अभी देखिए आप खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, उससे हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि खेलो इंडिया के आने से जो ग्रास रूट पे हम लोगों को हेल्प चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। हालांकि हमें ऐसी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ श्राइन बोर्ड, क्योंकि हमें हर चीज़ वहाँ पर टाइम से मिलती रही है, इसका परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन खेलो इंडिया आने से हमें जो हमारे जैसे और कई खिलाड़ी जो अभी पैरा में आना चाहते हैं, कोई आर्चरी में आएगा, कोई शूटिंग में आएगा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। पूरे जम्मू कश्मीर के अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, जो फैसिलिटीज़ यहाँ के खिलाड़ियों को मिल रही है, अभी थोड़ी देर पहले इरफान पठान, सुरेश रैना बता रहे थे कि कैसे क्रिकेट में दूर दराज से वैसे इलाके जो आतंकवाद प्रभावित भी है वहाँ से खिलाड़ी ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, ये बहुत ही अहम हो जाता है। तो जैसे किश्तवाड़ से शीतल आई गाँव से, आप यही के हैं, जम्मू के हैं, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से चयन प्रक्रिया और बेहतर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट्स जो हैं, प्रतिभाएं जो हैं, वो उभर कर सामने आए? जी मैडम बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत ये है कि उस प्रतिभा को सामने कैसे लाया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट को प्लान बनाने चाहिए, और उस प्रतिभा को निखारने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार हो तो हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक हेल्थ को लेकर हम लोग लगातार बात करते हैं, फिटनेस को लेकर लगातार बात करते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि प्रदूषण एक हमारे लिए चुनौती है, खान पान चुनौती है, आप लोग क्या करते हैं? मैं शीतल आपसे भी जानना चाहूँगी, फिटनेस को लेकर राकेश जी क्या वो मंत्र है जो आप देना चाहेंगे और जो खुद आप अपने जीवन में उसे अपनाते हैं? देखिए मैडम, फिटनेस के लिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं पाता हूँ, तो लेकिन मेरा एक सबसे अच्छा, मैं समझता हूँ अच्छा है, नहीं है दूसरों के लिए, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, चाहे मैं रात को 12 बजे सोऊँ, चाहे मैं 2 बजे सोऊँ, लेकिन ये है कि अगर कंपटीशन नहीं है या कुछ नहीं है तो मैं सर्दियों में 9 बजे तक सो जाता हूँ और गर्मियों में 9:30 बजे तक। जल्दी सोना मेरी आदत है, और सुबह जल्दी उठ के अपना व्हीलचेयर ही चला सकते हैं तो सुबह 1-2 किलोमीटर व्हीलचेयर चला लिए शाम को प्रैक्टिस के बाद, तो यही हमारा है। और मेडिटेशन कर लेते हैं बैठे बैठे योगा, बस यही हमारा फिटनेस का राज है। और थोड़ा सा क्या है कि हम लोग डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं अपना, डाइट का बहुत ख्याल रखना बिल्कुल, होता बिल्कुल। है। और आप तो बहुत भागती फिरती हैं हर जगह, आपके बारे में तो मुझे पता है कि आप बचपन से ही इतनी भागती फिरती थी कि लोग समझ गए थे कि ये एक खिलाड़ी है,
कभी भी शांत नहीं बैठी हैं आप क्या करती हैं अपने फिटनेस के लिए? आपके कोच ने आपको क्या सिखाया है कि इस बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना है, इस डिसिप्लिन में तुम्हें रोजाना जीना है? मुझे कोच सर ने सिखाया है कि अपनी डिसिप्लिन में रहना है, और सुबह हम जब उठते हैं नहाते धोते फिर ग्राउंड जाते हैं, हम वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उसके बाद हम शूट करते हैं। शाम को जब हम बोझ अंदर रखते हैं तो बाद में हम रनिंग वनिंग करते हैं। तो वैसे ही सर ने मुझे सिखाया हमेशा कि अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसी पे नहीं, अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा आगे बढ़ोगे। एक पैरा खिलाड़ी की चुनौतियाँ क्या हैं? ये जितना भी अब नेम फेम आ रहा है उसके साथ आर्थिक संबलता भी आ रही है जी, जी। लेकिन उसके अलावा चुनौती क्या है? क्या मांग रखते हैं आप राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि जो सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, वो कैसे सुनिश्चित हो एक पैरा खिलाड़ी की? मैडम देखिए, जब तक जब से मतलब अभी 14 साल हो गए मुझे व्हील चेयर पर आए हुए, शुरू शुरू में लगता था कि व्हील चेयर पर रहना, व्हील चेयर पर काम करना, हर काम करना हमारे लिए चुनौती है। लेकिन अभी पता है कि यही जिंदगी है, हमारे पैर ये हैं, ये व्हील चेयर ही है। तो मैं नहीं मानता कि हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गेम है, हमारे कोचिस ने जो हमें सिखाया है वो इस तरह से सिखाया है कि अगर कभी हम गलत भी करते थे तो वो हमें चेयर पर बिठा के, खुद व्हील चेयर पर बैठ के तीर चला के हमें सिखाते थे कि नहीं आपको इस तरह से चलाना है। जी, तो चुनौती कुछ नहीं है मैडम, ये आप अपने दिल को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप सबसे आगे हो। ये कह के आपने दिल खुश कर दिया कि चुनौतियां हैं ही नहीं। अच्छा, अगर एक मिनट में राकेश कुमार को खुद को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? मैडम मैं ये मानता हूँ कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और जब तक मैं खेलूंगा मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो ये नेम फेम और ये जो लोगों को लगता है कि हम स्टार हो गए, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ मेरे कोच की एक ही बात मायने रखती है कि मुझे आगे तक खेलना है, बस यही सवाल। शीतल तुमसे एक मिनट में अगर मैं कहूँ, शीतल अपने आप को डिफाइन करें, स्टार आप खुद को कह चुकी हैं, लेडी अर्जुन मैंने आपको कहा है। मैं अब तक अपने आप को स्टार नहीं मानती, बस लोग कहते हैं तो प्यार से मुस्कुरा देती हूँ। हाँ जी। अच्छा, जल्दी से एक रैपिड है सवाल है लोगों के, वो हम जल्दी से लेते हैं। आपका फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है? फेवरेट खाना, मैडम मैं मीठा तो खाता नहीं हूँ, तो मुझे वेज बिरयानी काफी पसंद है। हाँ, राजमा चावल के शौकीन नहीं है? नहीं। फेवरेट मूवी, एक ऐसी फिल्म जो आपके दिल को छू गई? मैडम एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, मुझे काफी पसंद है। क्या बात। फेवरेट गेम, वो खेल जो आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं? मैडम आर्चरी है, अभी यही है सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है। बिगेस्ट इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा? सबसे बड़ी प्रेरणा मैडम मैं हमारे देश के एक तीरंदाज हैं श्री अभिषेक वर्मा जी, तो उनको देख देख के यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके पास मैं समझता हूँ कि अभी 100 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल होंगे, और वो काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं, नंबर वन है, अभी वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर टू पे हैं। आपका वो सपना जो अभी तक आप देख रहे हैं उसे पूरा करना है, या फिर वो सपना पूरा हो गया? नहीं मैडम, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी शुरुआत है। एक पैरालंपिक गोल्ड मेडल मेरे गले में हो, उसका सपना तो अभी बाकी। क्या बात है, तालियां इस बात पे। चलिए, अब यही खेल आपके साथ खेल रहे हैं। शीतल जी, आपका फेवरेट फूड? मुझे मीठे में आइसक्रीम पसंद है। फेवरेट मूवी? जर्सी मूवी। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस भी बता दीजिए, वो हीरो हीरोइन जिसको आप बहुत देखना पसंद करती हैं। चलो ठीक है, फेवरेट गेम बताओ। आर्चरी। आर्चरी, आप बता रही थी आप फुटबॉल भी खेलती थी। पहले मैं फुटबॉल खेलती थी। देखना पसंद करती हैं फुटबॉल मैचेस? हाँ जी, बिल्कुल। बिगेस्ट इंस्पिरेशन, जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया, जिन्होंने आपको बहुत हौसला दिया कि मुझे भी ऐसा बनना है? मेरे कोचेज और मेरी प्रीति दीदी जो बेंगलोर में रहती हैं। अच्छा, बचपन से देखा हुआ वो सपना जो अभी पूरा होना है, या पूरा हो गया? नहीं, अभी तो सपना चल ही रहा है। आप दोनों के वो सभी सपने साकार हो, क्योंकि उन सपनों में हमारे सपने भी हैं, और हम भी ये सपना देख रहे हैं कि इससे भी बड़े बड़े
जो तमगे हैं वो आपके सीने पर शोभा बढ़ाए, हमारे देश को गौरवान्वित होने का मौका दे। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीतल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और यूं ही तुम नंबर वन बनी रहो, इस पायदान से, इस नंबर वन पायदान से तुम नीचे ना हो, यही शुभकामनाएं हमारी है तुम्हारे लिए। बोल। किसी में कोई कमी नहीं होती, बस मेहनत की जरूरत होती है। चलिए इसी बात के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।